हेलो फ्रेंड्स, तो लेकर बहुत ही कमाल का, खास करके नए यूट्यूबर्स जिनके पास अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और उनको क्या लगता है कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, या जिनके भी मतलब 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, खास करके दोस्तों वीडियो देखते रहना, क्योंकि मैं बताने वाला दोस्तों इस वीडियो पे कि 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे अगर हो जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, वाकई में आपके चैनल को बूस्ट मिलता है या नहीं, बिल्कुल इस वीडियो में हम बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से। दोस्तों मेरा 1 साल ये चैनल को होने वाला है और 1000 सब्सक्राइब बहुत पहले हो गया, जिसका फ़ायदा मुझे दिख रहा है दोस्तों। सो मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दे दोस्तों, जो भी नए यूट्यूबर हैं खास करके उनको ये मालूम चल जाए और खास करके एक मोटिवेशन टाइप से आपको मिल जाए कि हाँ कुछ किया जा सकता है 1000 सब्सक्राइबर करने के बाद दोस्तों। तो वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक, क्योंकि लाइक जब करते हो तो बहुत ही अच्छा फील्स और लगता है कि यार वाकई में वीडियो हमें देना ही चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के वीडियोस आपको मिलेंगे, साथ ही बगल वाले घंटा भी दबाना, इस तरह का वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको हर रोज की तरह मिलते जाएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर, आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसे जी। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। खास करके नए यूट्यूबर या पुराने यूट्यूबर, मतलब कि खास तौर से जो लोग नया चैनल बना रहे 2020 में और आम तौर पे सोचते हैं कि यार ये 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद या हो गया है, और जिनको मतलब डीमोटिवेशन लग रहे हैं कि अब 1000 सब्सक्राइबर हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, तो खास तौर से दोस्तों उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी एक चैनल का 1000 सब्सक्राइबर कब का कम्प्लीट हो गया, बट वाच टाइम नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके फायदे जो हैं 1000 सब्सक्राइबर के मुझे अब दिखने लगे हैं और मुझे लगता है कि वाकई में अब कुछ किया जा सकता है, धीरे धीरे बूस्टिंग मिलना स्टार्ट हो गया दोस्तों। अचानक से तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम अक्सर यूनिक काम तो नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और ना यूनिक काम होने की वजह से दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है आपके चैनल पे। तो यूनिक काम अगर कर रहे हो, यूनिक चीज़ है तो जल्दी ग्रो हो जाता है, बट अगर आप एक लेवल तक जाना चाहते हो तो टेक टाइम टू द अचीव एनीथिंग्स इन योर लाइफ। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कुछ भी अगर पाना हो तो समय लेकर अगर आप करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ में वो चीज़ करते हैं, तो बड़ी अच्छी फील होती है दोस्तों, और मुझे जैसा ये धीरे धीरे फील होने लगा है। और मैं सोचता हूँ कि मैं फास्टली ग्रो ना हूँ, मैं एक कछुए की चाल के अनुसार से ग्रो हूँ दोस्तों, ताकि कुछ आगे मुझे जब नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, सारे दिमाग में भर जाएंगे, तो मैं इजीली कर पाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिनके अगर 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो बिल्कुल ही आपको मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एक चीज़ आपको करना बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप वीडियोज़ वीकली डालो या डेली डालोगे तो इफेक्ट पड़ता ही है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है आपके चैनल को ग्रोथ अप देने के लिए। बट उसके अलावा एक मेनली चीज़ मैं बताता हूँ, जो कि कोई लोग हमें नहीं लग रहा है कि YouTube पे आपको इस तरह की बात बताते होंगे दोस्तों, मैं जो बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुन लो दोस्तों। कम्युनिटी टैब्स 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद आपको मिल जाते हैं। अब आती है बात की कम्युनिटी टैब्स। जब हम YouTube पे कितने भी वीडियोज़ देखते हैं तो कभी कदाल YouTube पे कम्युनिटी टैब्स के फोटोज़ आते हैं। कम्युनिटी टैब का कहने का मतलब कि दोस्तों जैसे फेसबुक होता है, तो फोटो वगैरह जो रिलीज होते हैं, फोटो वगैरह जो अपडेटेड रेगुलर आते रहते हैं, तो कम्युनिटी टैब का मतलब ही होता है दोस्तों कि फोटोज़ जो हैं आपके वो नए नए व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। अब ऐसे में बात आती है कि हमारे फोटोज़ को कौन देखेगा, हमारे मतलब कि यूनिक चीज़, अगर यूनिक फ़ोटो अगर हम डाल रहे हैं, मतलब कि कुछ अलग तरीके से नए नए फोटोज़ डाले, तो उस फोटो पर क्लिक आते हैं, उस पर लाइक्स आते हैं, कॉमेंट्स भी आता है दोस्तों। तो ये चीज़ हमारे साथ हो रहा था, मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया कि वाकई में कम्युनिटी टैब्स जब मिल गया हमें तो अब क्या कुछ होगा नहीं होगा, तो मैं एक आध बार डाला लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रही, टैब पे कोई लाइक्स नहीं आ रहा था और कमेंट्स भी नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था यार कुछ होगा कि नहीं। बट मैं रेगुलर दोस्तों में बताऊँ तो मैं रेगुलर जिस दिन से मिला कम्युनिटी टैब, मैं रेगुलर मतलब कि फ़ोटोज़ डालते रहा और साथ में लिंक डालते रहा अपने वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए, आप कह सकते हो। तो मैं वहाँ पे कम्युनिटी टैब पे रेगुलर डालने लगा, और तरह तरह की अगर आप फ़ोटो डालते हो तो वो फ़ोटोज़ जाते हैं नए नए लोगों के पास, उसका रिस्पांस हमें मिला दोस्तों कि पहले बार मिला 1 लाइक्स, उसके बाद धीरे 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 बढ़ा मेरा 2 लाइक्स दोस्तों, अब धीरे धीरे बढ़ा 3 लाइक्स, अब 4 लाइक्स, और कभी कदाल तो मैं दोस्तों अपने कम्युनिटी टैब में पोल भी डाल देता हूँ। तो पोल भी डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कम्युनिटी टैब में, आप फ़ोटोज़ डाले
साथ में पोल को डालना बहुत ही जरूरी है। पोल भी आप डालो तो बहुत बेस्ट है, पोल और फोटोज डालो और अपने वीडियोस को भी बहुत ही आसानी से प्रमोट कर सकते हो दोस्तों। अपने ओल्ड वीडियो को भी कम्युनिटी टैब में डाल के आप प्रमोट कर सकते हो, जिससे आपके चैनल को बूस्टअप मिलता है, आपका मतलब बूस्टअप मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि कम्युनिटी टैब तो मुझे भी मालूम है। हाँ मालूम है आपको, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि अगर आप पर डे कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते हो कुछ भी फोटोज़ या लिंकअप कुछ भी पोल डालते हो तो आपको बहुत ही बड़ा फायदा होता है, आपके चैनल को ग्रोथ अप मिलता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात जान लो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, जीरो आ रहा था मेरे पोस्ट पे, जीरो मतलब कोई व्यूज़ कोई लाइक्स नहीं आ रहा था। अब व्यूज़ उस पर आते हैं, लाइक्स आ रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब लाइक्स आ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी है चीज़, मुझे जहाँ एक लाइक्स मिलता था अब लाइक्स मिलने लगे चार। अब ये चीज़ है दोस्तों कि कम्युनिटी टैब का फायदा। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कम्युनिटी टैब में आप फोटोज़ जो है मतलब कि अपनी खुद की तो डाल ही रहो, मतलब कुछ नए नए फोटोज़ डालो, नए नए तरीके की, और कुछ ऐसे ऐसे चीज़ लिखना स्टार्ट करो कम्युनिटी टैब में जो कि अट्रैक्टिव करे। क्योंकि कम्युनिटी टैब एक ऐसा चीज़ है कि बिना स्टोरी टैब्स तो नहीं मिलता उस टाइम, क्योंकि 4000 जब तक कंप्लीट नहीं हो चैनल मोनेटाइजेशन तब तक नहीं मिलता है। तो आपको वाकई में दोस्तों कम्युनिटी टैब पे पोस्ट रेगुलर करते रहना, क्योंकि चैनल बूस्टअप होता है दोस्तों। उससे आप अपने चैनल को अगर 2-4-10 दिन आप अगर वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हो तो, लेकिन फिर भी पोस्ट तो जरूर कर दो, पोस्ट को जरूर कर दो, कुछ ना कुछ पोल डालो, पोस्ट करो, अपने वीडियोज़ के लिंकअप, ओल्ड वीडियो के लिंकअप भी पर डे उस पर पोस्टेज करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। तो ये चीज़ फायदा होते हैं और धीरे धीरे आपके चैनल को लोग जानना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी कैब नए नए लोगों के पास पहुंचाते हैं दोस्तों, और धीरे धीरे आपका ग्रो होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंसेस है, अगर मैं सच बताऊं तो एक्सपीरियंस के अनुसार से मैंने आपको बताया। और आपको क्या लगता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमें ज़रूर कमेंट करके बता देना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपको लिए लाते रहूँगा दोस्तों। जब आप लाइक करोगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलो, सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बगल वाले घंटा यानी बेल को दबा दो ताकि इस तरह का वीडियोज़ आप। इसी के साथ विराम चाहते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।